नमस्कार दोस्तों, आज मेरा फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 12 TPNDB इसका फुल डिटेल्स, कैसे कैसे किया जाता है इसका वायरिंग। ये देखिए मेरा RCBO है, 63 एम्पीयर का RCBO है। इसको ये जो है इसको जब तक नहीं उठाइएगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। इसको ट्रिप कराइएगा ये भी ट्रिप हो जाएगा, ये खाली नहीं उठेगा। इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट बटन है, जब सप्लाई रहेगा तब एक टेस्ट बटन काम करेगा। ये शॉर्ट सर्किट 30 mA तक अगर ज़्यादा करंट ओवर पास करेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, और उस शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल फेस जहाँ सटेगा वहाँ पर एक ट्रिप करेगा, और जहाँ पर फेस अर्थ या न्यूट्रल अर्थ सटेगा वहाँ पर एक ट्रिप करेगा। इसके बाद में आपको हम बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये पूरा अर्थिंग एक जगह कनेक्ट किया हुआ है, एक जगह न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है पूरे का। ये इसको लूजर बक्स है, ये ब्लू फेस है, ये येलो फेस है, ये रेड फेस है। ये तीनों को RYB फेस बोला जाता है। इधर भी अर्थ कनेक्ट किया गया है। TPN में दो कनेक्टर अर्थिंग का होता है, दो न्यूट्रल का होता है, तीन फेस का होता है। ये देखिए MCB है, AMCB है, ये तीनों MCB जो है तीनों में सेटिंग है, लोड के हिसाब से दिया जाता है। ये देखिए इसमें 16 एम्पीयर का MCB लगा हुआ है, इसमें भी 16 एम्पीयर का लगा हुआ है। यहाँ पे एक लास्ट में आपको 10 एम्पीयर का दिख रहा होगा, जिससे कि हमको ये कम पावर का है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।